भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह ठाकुर जी, आपका आपने जिस बात का जिक्र किया कभी सोचा ना था, लेकिन अब वो संभव है और शायद इसीलिए भारत में ईज ऑफ लिविंग, हर एक व्यक्ति की जिंदगी को आसान बनाने के जो काम हुए हैं अब वो जमीन पे नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री महोदय जी। बिल्कुल आरेंद्र, स्वच्छता मिशन हो या फिर उज्ज्वला, जल जीवन मिशन हो या फिर पीएम आवास योजना, किसानों के कल्याण के कार्यक्रम हो या फिर गरीबों के हक का प्रयास, बीते 9 वर्षों में हम सभी की जिंदगी में एक नई बेहतरी आई है। और आज इस मौके पर 9 वर्षों के इस सफर को समेटे हुए एक पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है। मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अश्विनी वैष्णव जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वो इस मौके पर विशेष पुस्तक का विमोचन करें, और मंच पर मौजूद तमाम अन्य अतिथियों से भी निवेदन है कि कृपया मुख्य अतिथि जी का वो ज्वाइन करें और इस किताब का विमोचन करें। जोरदार तालियां, क्योंकि ये किताब बेहद महत्वपूर्ण, 9 साल के सफर को समेटे हुए तमाम योजनाएं जिन्होंने आम व्यक्ति की जिंदगी को आसान बनाया है, ईज ऑफ लिविंग को लेकर और कैसे भारत ने विकास की यात्रा की एक नई इबारत लिखी है, वो सारी तमाम प्रयास, 9 साल का सफर इस किताब में संकलित है। और इस किताब का विमोचन आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा, अन्य मेहमानों के द्वारा। जोरदार तालियां एक बार फिर से। थैंक यू वेरी मच सर। और अब वो समय आ गया है जिसका हम सभी को था इंतजार, आज के इस नेशनल कॉन्क्लेव के मुख्य अतिथि श्री अश्विनी वैष्णव जी को सुनने का। तो मैं बहुत ही आदर से आमंत्रित करना चाहती हूं अश्विनी वैष्णव जी को, आप हम सभी को इस मौके पर संबोधित करें सर। थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट यूज करेंगे,